बलराज महाराज की जय। जय श्री राधे। स्थल में कल से और आज तक मुझे सीकर, चुरू, जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला और मैंने तो शायद उत्तर प्रदेश में भी इतने कार्यक्रम नहीं किए। कल सुबह से और रात को 11 बजे तक का 24 कार्यक्रम हुए, दो बहुत बड़े कार्यक्रम हुए और बाकी जगह जगह पर स्वागत सभाएं और तमाम अन्य कार्यक्रम हुए। मुझको राजस्थान का वातावरण बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा है और राजस्थान में जैसे बदलाव की एक आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ मुझे देखने को ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिला है और मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का ये जो अभियान है, सबको साथ में लेकर सभी जाति और बिरादरी का, उसके प्रति स्वीकारता का भाव राजस्थान में मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस आज जैसे महाभियोग लगाकर वो पहले विधायिका को उसने डराया, लोकसभा को बाधित करके, राज्यसभा को बाधित करके, जब वहाँ सफल नहीं हुए तो हार और निराशा, जो निराशा का वातावरण है कांग्रेस में और विपक्ष में, उससे वशीभूत होकर उन्होंने महाभियोग लाकर सुप्रीम कोर्ट ऐसी एक प्रतिष्ठित संस्था को डराने के लिए एक षड्यंत्र रचने का काम किया। मैं बधाई देना चाहूँगा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कि उन्होंने इनके इस षड्यंत्र को अस्वीकार कर दिया, लेकिन निश्चित रूप में आज बहुत बदलाव आया है। जो आज़ादी के समय वाली गांधी जी की कांग्रेस थी, यानी भव्य इमारत के रूप में, वो आज इटालियन गांधी की कांग्रेस बनने के बाद एक जर्जर इमारत बन चुकी है और ये एक डूबता हुआ जहाज है जिसकी शुरुआत राजस्थान करने वाला है। ये जाति में बांटते हैं, संप्रदाय में बांटते हैं, चुनाव आता है तो असहिष्णुता पूरे प्रदेश में, पूरे देश में शुरू हो जाती है और चुनाव के करीब ये अवार्ड वापसी गैंग एक तैयार हो जाता है, वो अपना पुरस्कार वापस करने लगता है, जातियों को, संप्रदाय को लड़ाने लगता है। दलित समाज भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका एक अभिन्न अंग है, उसको कोई हटा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। और बीजेपी के रूप में जो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास कहा था, उससे सारी जातियाँ एक हो गई थी, उस एकता को भंग करने का षड्यंत्र ये दीवा स्वप्न देख रहे हैं। जो पाकिस्तान देखता है कि भारत खंड खंड हो जाए तो समझ में आता है कि वो हमारा दुश्मन देश है, लेकिन जो देश में रहने के बाद जो लोग जातियों को खंडित करने की षड्यंत्र करने लगे, विभाजित करने का, वो मैं समझता हूँ कि जनता उसका जवाब देना जानती है। सर, आपने राजस्थान चुनावी देखिए, जिस प्रकार से वसुंधरा जी ने विकास कराया है, मैं तो अभिभूत हूँ, उनको बधाई दे रहा हूँ। हालांकि मैं परशुराम जयंती के तमाम कार्यक्रम हुए थे उनमें भी गया था और समाजों के भी कार्यक्रम थे उनमें भी मैं गया था, क्योंकि यहाँ सामाजिक समरसता ही एक यहाँ की पहचान है। तो लोग जिस प्रकार से प्रशंसा कर रहे थे कि परशुराम जी के लिए एक बहुत कई करोड़ का फंड उनके
स्मारक के लिए उनके बारे में भव्य भवन के निर्माण के लिए दिया गया। जैसे सड़कों का विकास हुआ, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव को सड़क से जोड़ने का, दीनदयाल विद्युतीकरण के माध्यम से घर घर लाइट पहुंचाने का काम हुआ। धार्मिक स्थलों पर खाटू श्याम जी और जिसको साला सर, मैं दोनों जगह गया हूँ। 65 करोड़ रुपये केवल खाटू श्याम जी के लिए दिया गया और 24 करोड़ से ऊपर साला सर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया। मुझे सुनकर मैं दंग रह गया। एक बार केवल आग्रह किया था उनसे कि मैं पिछली बार जब आया था तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि इन दोनों जनों का स्थानों का विकास होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से जनता ने मुझे वहाँ बताया कि विकास कार्य प्रारंभ भी हो चुका है, ये बड़ी बात है और इसी कारण से वसुंधरा जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। देखिए, राहुल जी का वक्तव्य हल्का है, आपका ऐसा कहना मैं मानता हूँ कि छोटे व्यक्ति को बड़ों के बारे में, जो उनसे उम्र में बड़े हों, पद में भी बड़े हों, और हम तो हमारा ये भी कहना है कि छोटा भी हो तब भी अनर्गल प्रलाप हताशा में नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने हमेशा विधायिका को संसद और राज्यसभा में जिस प्रकार से बाधित करके अपमानित करने का काम किया, अब वो न्यायपालिका पर भी आघात कर रहे हैं, न्यायपालिका के जजेस को डराने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग अपनी प्रत्याशित हार को देखते हुए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। गांधी जी की जो कांग्रेस थी एक भव्य इमारत थी, और जो आज की कांग्रेस है इटालियन गांधी कांग्रेस, ये एक ढहता हुआ खंडहर है। और मैं समझता हूँ राजनीतिक जीवन की ये अंतिम यात्रा के दौर से, ये कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा का अंतिम दौर है, और कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप चुनाव के पहले कहीं असहिष्णुता को पैदा करना, कहीं अवार्ड वापसी को कराना, कहीं जातीय दंगे का षड्यंत्र रचना, कहीं सांप्रदायिक दंगे को कराना, कांग्रेस आज तक इसी राजनीति को करती आई है। और पहली बार उसको मोदी जी के रूप में एक सशक्त मुकाबला करने वाला नेतृत्वकर्ता मिला है सामना करने के लिए, और उसे वो पराजित हुए, इसलिए हताशा निराशा के दौर में कुछ भी वक्तव्य दे सकते।